शाजापुर विगत दिनों से आष्टा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद सिंह टिपानिया के जनसंपर्क कार्यक्रम में आए मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रधानमंत्री पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी तू क्या तेरा बाप भी आ जाए तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर सकता। इसी को लेकर आज सलसलाई नगर में भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बैंस व देवास शाजापुर भाजपा लोकसभा प्रत्याशी ने मंत्री के इस बयान की कड़ी निंदा की है और साथ ही भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी ने कहा कांग्रेस का सुफड़ा साफ तो पहले ही कर चुके हैं। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बैंस ने कहा कि मंत्री जी एक गरिमामय पद पर हैं और इस तरह का बयान देना उन्हें शोभा नहीं देता। वहीं कहा कि कांग्रेस का सुफड़ा साफ होने वाला है, कांग्रेस अपनी हार को देखकर बौखला गई है। HMTV लाइव के लिए किशोर नाथ राजगुरु की रिपोर्ट। मंत्री ने अभी एक विवादित बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाप भी आ जाए तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ नहीं होंगे, इस बारे में आप क्या कहें? कांग्रेस का सुपड़ा साफ तो पिछली बार ही नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं और मंत्री जी से निवेदन है कि वो प्रधानमंत्री जी के बारे में किस प्रकार की लैंग्वेज का उन्हें उपयोग कर रहा है इसका वो ध्यान रखें, वो उनकी गरिमा से भी जुड़ा हुआ भी मामला है। प्रधानमंत्री का बाप भी आ जाए तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ नहीं होगा? सबसे पहला तो जिस गरिमा के पद पर वो हैं आज मध्य प्रदेश शासन में जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो गरिमापूर्ण भाषा उनको बोलना चाहिए। ठीक है, चुनाव है, राजनीति, राजनीति में सब चीज़ होती है, पक्ष विपक्ष होते, सब अपना अपना तर्क रखते हैं, किंतु इस तरह की आम मर्यादित भाषा उन्हें नहीं बोलना चाहिए। और कांग्रेस तो अपने आप जो है यह जाने वाली है और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इसके लिए लाखों लाख जो है तो हमारे मतदाता और जनता साथ में है।